हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज व्लॉग फोकसेस ऑन करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबॉडी। तो करवा चौथ की शुरुआत होती है मेहंदी लगवाने से। मैं पहले गई थी मेहंदी लगवाने, यहाँ आसपास कोई अच्छा मेहंदी वाला नहीं है। दिस वाज द फाइनल आउटकम। हमें BTM जाना पड़ा था लगवाने के लिए, जहाँ हम पहले रहते थे। जब मैं घर आई तो मैंने देखा मम्मी पापा ने इतना सारा सामान भिजवाया था, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ। अब इतना सारा कौन खाएगा? उनको हर बार ही बोलती हूँ, बट वो हर बार ही भिजवा देते हैं। वॉट टू डू दैट, मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं क्या सबके? मेरे को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, यू नो, दे ऑलवेज ओवरडू विद मी। सो दिस इज द स्टफ दैट आई गॉट। सो पाइनएप्पल इज माय फेवरेट। सो वेन एवर दे ऑर्डर समथिंग फॉर मी, पाइनएप्पल हैज़ टू बी देयर ऑल द टाइम। एंड फिग्स वर देयर। बाकी जो सारा सामान था वो तब उनके लिए आया था। ड्राई फ्रूट्स मेरी सरगी के लिए आए थे और कुछ मिठाइयाँ सरगी के लिए आई थी मेरे। दीज आर बनानास, तबगुन लाबू बनानास। सो देवर बनानास वर ऑल्सो देयर। एप्पल्स, एप्रिकॉट, पाइनएप्पल्स, मौसम्बीज, पोमेग्रेनेट, ड्राई फ्रूट्स, दिस वॉज दैट। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट अराउंड 4 AM और सरगी टाइम था। सो वी टुक बाथ। ये सब चीज़ें मैंने नहीं खाई बिकॉज मीठे से यू फील थर्स्टी। मैंने मट्ठी ली, मीठी एंड फीकी, ढोकला एंड थोड़ा सा मीठा। सो दिस इज़ द कलर ऑफ द मेहंदी मॉर्निंग में, ऐसे लगी थी मेहंदी। सो मैंने एक हाथ पे गौरव का नाम और एक हाथ पे तबगुन का नाम लिखवाया था। सो गौरव लिखवाया था, आई कैन नॉट मिस तबगुन। मेरे लिए दोनों एक जैसे, बोथ आर इक्विवेलेंट टू मी। एंड दिस इज दीज आर द एंकलेट्स जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी शादी पर, मैंने वो भी पहने हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू नो गेटिंग रेडी व्हेन आई वाज, सो दिस वाज दैट। एक्चुअली हमारे यहाँ 4 बजे या 3 बजे अराउंड कथा करते हैं। सो उस कथा में द सिग्निफिकेंस ऑफ करवा चौथ होता है। तो उसका पूजा करते हैं, थाली बनाते हैं, उसमें यू हैव फ्रूट, यू हैव हल्दी, यू हैव यू नो राइस, यू हैव लोटा विद वाटर जिसको आप बाद में चढ़ाते हैं। सूर्य भगवान उस टाइम होते हैं बाहर, तो उनको चढ़ाते हैं। तबगुन वॉज वेरी रेस्टलेस एक्चुअली, वो 3 दिन की वजह से थोड़ी सी परेशान थी। सो आई एम जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग दिस पर्टिकुलर बिट, कि वो कथा थोड़ी सी मुश्किल से कर पा रहे थे हम, बिकॉज वो उसको नहीं अच्छा लग रहा था बिकॉज ऑफ द 3 दिन थे। सो बेसिकली अगर आपको सरगी के बारे में बताऊँ, तो हमारे यहाँ सरगी में मीठी मिट्टी, फीकी मिट्टी और फेनी खाते हैं। बट फेनी क्योंकि मैं अकेले थी यहाँ पर, तो मैं नहीं बना पाई अपने लिए, घर के काम वो सब थे, तो इसलिए आई कुडंट गेट टाइम एक रात पहले बनाने के लिए। परौंठी मैंने जानबूझ के नहीं खाई क्योंकि उससे प्यास लगती है एंड पूरे दिन यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर इवन अ सिंगल ड्रॉप, सो मैंने अवॉइड कर दिया। फेनी नहीं खाया, सो आई हैड जस्ट मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी एंड थोड़ा सा फ्रूट खा लिया था। उतना मेरे लिए मोर देन इनफ था, पूरा दिन चल गया उससे। एंड देन आफ्टर दिस कथा आप पत्ती वाली चाय, नॉट चाय, दूध विद पत्ती यू कैन ड्रिंक। वो पीने के बाद थोड़ा सा बेटर फील होता है बिकॉज आई वॉज सो लो ऑन एनर्जी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग यू नो एनी फूड और वाटर। आई वॉज वेरी लेजी द एंटायर डे। नेक्स्ट डे आज भी थोड़ा उसका हैंग ओवर है, अभी भी थोड़ा सा ना वीकनेस होता है बिकॉज आई एम अ पर्सन हु ईट्स कंटिन्यूसली। सो कथा वॉज डन एंड आफ्टर दैट, बिकॉज बैंगलोर का वेदर थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे सूर्य देवता दिख गए। हमने वहाँ पर वो जल चढ़ा दिया हल्दी और चावल वाला, ऐसे प्रे करके देन थोड़ा सा फ्रेश एयर मैंने लिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी, वेरी डिजी बिकॉज ऑफ आई वॉज हंग्री, आई वॉज थर्स्टी एंड एवरीथिंग। सो गॉड सेड लेट्स हैव अ राउंड, सो वी टुक अ राउंड। तबगुन वॉज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, ब्रीदिंग की वजह से उसको थोड़ा सा यू नो, कभी कभी शी इज़ हैप्पी, कभी कभी शी इज़ वेरी क्रैंकी। मोस्ट ऑफ द टाइम यस्टरडे शी वॉज वेरी क्रैंकी एंड दिस इज़ माई मॉम। माई मॉम गॉट रेडी फॉर द सोसाइटी कथा एंड मैं दीज आर सम पिक्चर्स। ये पूरा सोसाइटी हमारा हर एवरी ईयर वो सब साथ में कथा करते हैं, पूजा करते हैं। सो दीज आर ऑल द लेडीज़ यू नो, अ किटी गैंग, भजन गैंग और यू नो एवरी ओकेजन दे सेलिब्रेट टुगेदर। दैट्स माई मॉम, सो शी लुक्स लवली एंड यंग। अभी भी वो इतने यंग लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम 50 ईयर्स हो गए तो यंग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बट या शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन रियलिटी। अगर आप उन्हें देखेंगे, पीपल कॉल हर माई सिस्टर, नॉट माई मदर। सो आई गॉट माई साड़ी सेट इन अ पार्लर, सो दिस वॉज द लुक, आई रियली लाइक इट एक्चुअली एंड विद तबगुन ऑल्सो। शी आई कुडंट ड्रेस हर अप, वो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल नाउ, सो दैट्स वाई, बट आई मैनेज टू टेक सम पिक्चर्स विथ हर
finally at around 9:25 PM moon was there. It was hazy, you can see. It was a bit hazy, so we waited. I told Gaurav, let's wait to be, you know, it to be clear. By 9:30 we went upstairs on the terrace for this puja. So in this also, you know, you take a deepak, you take a channi, you put that deepak on the channi, you look at the moon, you look at your husband, and then again at the moon, and then you put the deepak there itself. After that, you take the sakora, which I have, this lota. Okay, in this you put haldi and you put rice, and you know आप ऐसे चढ़ाते हैं मून को, एंड उसके बाद आपके हस्बैंड आपको पानी पिलाते हैं. सो बाय द वे, गौरव ने भी हाफ फास्टिंग किया था फ्रॉम आफ्टरनून. आफ्टर लंच टाइम उसने नहीं कुछ खाया भी नहीं और पानी भी नहीं पिया. सो पहले मैंने पानी पिया, देन मैंने उसको पानी पिलाया. लंबी उम्र के लिए. सो उसके बाद हमने थोड़ा मिठाई खाया था, एंड उसके बाद आई टच्ड हिज फीट. पूरा पीना, अब गिर जाएगा, रुक जा, मेरा फोन ले लो. वी वेंट डाउनस्टेयर्स. खाना मैंने नहीं बनाया था बिकॉज़ आई वाज रियली वेरी टायर्ड दिस टाइम. आई यूजुअली डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड, बट हमने नहीं बनाया. वी ऑर्डर्ड इट, एंड या आफ्टर दैट जो नींद आई है, आई कैन नॉट इवन टेल यू. सीधे सुबह ही आँख खुली है. इवन तबुंग वॉज सो टायर्ड यस्टरडे, शी कुड नॉट गेट माई एंटायर अटेंशन. तो वो भी प्रॉपर ऐसे सुबह ही उठी है, एक्चुअली रात को उठी ही नहीं प्रॉपर एक बार भी, दूध पीने के लिए भी नहीं. शी स्लेप्ट इंटायर नाइट विद अस. सो दैट इज दैट. सो दिस इज द मून. जस्ट एक्चुअली दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड, करवा चौथ के दिन मून यूजुअली लेट निकलता है, या हमें ऐसा लगता है कि लेट निकलता है. आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील होता है कि यूजुअली नॉर्मली सही टाइम पे निकलता है, बट करवा चौथ के दिन लेट निकलता है. सो दिस मॉर्निंग आई वॉज फीलिंग वेरी वीक, सो वी डिसाइडेड टू गो टू ताज़ा थिंडी एंड हैव सम, यू नो, डोसा, इडली, खाराबाद, केसरी बात, दैट्स माई फेवरेट. सो वी वेंट देयर, हैड अ लिटिल ब्रेकफस्ट, एंड वी केम बैक होम. सो या आई हैड माई ऑफिस कॉल ऑल्सो that I took in the car only because we got late coming back home. So like that. And the weather was very good today. On Karwa Chauth day it was very hot. So Afghan ko as usual bahut shock hai us pe, you know, dashboard pe khade hone ka. And finally we reached. Achha sa breakfast kiya. Then I was feeling better. These are some pictures. I hope guys are liking my content. And please do share, subscribe, like and comment on my videos. Thank you so much.